Hey, what's up everybody, here is Riyansh Gupta, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। तो अभी समय हो रहा है 6:10, यानी पानी आ गया है तो उसको भर लेते हैं और फिर बात करते हैं आपसे। और बाहर का नज़ारा कुछ इस तरीके का है, आप देख सकते हो, यानी बादल छाए हुए हैं हर जगह और पानी बरसने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर हमारा जियो मार्ट से सामान आया था, जहाँ पे ये टोस्ट का पैकेट, पार्ले का और विम और प्याज और लेस के पैकेट और भी कुछ सामान जैसे आलू भुजिया वगैरह। और पानी भर चुका है और अभी मैं जा रहा हूँ छत में, जो अपनी टंकी होती है पानी की टंकी, वो देखने के लिए कितनी भर गई है, क्योंकि बहन न जाए तो फिर पानी वेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो भजवा लगा रहा है वहाँ पर काम चल रहा है, आप देख सकते हो कि इतनी छपाई हो गई है। और मेरे को पीछे जाना है अपनी टंकी देखने के लिए। कुछ आप देख सकते हो, कुछ की टंकी भरी हुई है, यानी आधी टंकी मान सकते हो, आधी टंकी भरी हुई है। और यहाँ पूरे में काम ही चल रहा है अभी भी। और आज इस एरिया में जो है, यहाँ पे आज जो हमारी पाइपलाइन है वो फूट गई थी, क्योंकि ऊपर से एक पत्थर गिरा और वो चटक गई, तो इसकी वजह से उसको जोड़ा है उन्हीं भैया लोग ने जो यहाँ पर काम कर रहे थे। और यहाँ पर आप देख सकते हो बीच में दीवार खोली हुई थी, कुछ इस तरीके से दिखता है अंदर, ऐसा बन रहा है अंकल लोगों का घर बाजू में। यहाँ पे डबलियाँ रखी हुई है जो हर चीज़ पूरा में यूज़ होती है, आप देख सकते हो यहाँ पूरे में सीटी लग गई है इस एरिया में। तो हमारे यहाँ भुजिया बन रही हैं, आप देख सकते हो दीदी, ये दोनों दीदी हैं, वो भुजिया भर रही हैं, मम्मी बेल रही हैं और जो ताई जी हैं भुजिया सेक रही हैं। जो है अभी बन रहा है। तो अब समय हो चुका है वीडियो में आपको जो आज गैजेट्स आए हैं अमेज़ॉन से, जो अमेज़ॉन की डील आई थी उसमें से जो हमने गैजेट्स मंगाए हुए हैं उसकी अनबॉक्सिंग करने की। तो चलो शुरू करते हैं उसकी अनबॉक्सिंग। तो यहाँ पे अपने पास सबसे पहले वॉल का ट्रिमर है, वॉल का ट्रिमर पहले इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। और उसके बाद है एसोस वीवो बुक मंगाई थी हमने और एक किंडल मंगाया था। तो शुरुआत करते हैं अनबॉक्सिंग। तो पूरे लॉकडाउन में जो है बार्बर शॉप तो गई नहीं, तो हमने वॉल का ट्रिमर ही मंगा लिया। और मैं जो है इससे ताऊजी की और भैया की कटिंग कर चुका हूँ पहले, तो खोल के दिखाई तो उसके अंदर क्या क्या मिलता है। यहाँ पे देख सकते हो मोस्ट पावरफुल मोटर मेड इन USA, कॉर्डेड एडजस्टेबल ब्लेड, सुपर टेपर जो है इस क्लिपर का नाम है, इसको क्लिपर कहते हैं। और मैं निकाल के दिखाता हूँ क्या क्या इसके अंदर अपन को मिल जाता है। कॉम रखे हुए हैं पूरे साइज़ 4 से लेके 1 तक के। और यहाँ पे ये रहा अपना क्लिपर, जो बहुत ही हैवी और बहुत बढ़िया है, हाथ में पकड़ने में फ़ील आता है कि अपने यार जब कटिंग करते हो ना तो फील ही अलग आता है इससे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये एडजस्टेबल है, जो ये लीवर होता है ये वाला, इसको भी पीछे खींचो तो ये हाफ हो जाता है और यहाँ पर ये ज़ीरो हो जाता है, इसको साइड में रखते हैं। और यहाँ पर अपन को मिल जाती है एक कॉम्ब, और यहाँ पर एक इसका ऑयल मिल जाता है, जब भी जो इससे अपन हेयर कटिंग करते हैं तो इस ऑयल का यूज़ करना ज़रूरी होता है इस अपने क्लिपर पे। तो अब क्लिपर को दिखाता हूँ मैं अच्छे से, आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का वाइट कलर में क्लिपर है, यहाँ पे लिखा है वॉल सुपर टेपर। बैक साइड की बात करते हो तो कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है ये मेड इन USA और लिखा है वॉल क्लिपर कॉप। यहाँ पर ये ऑन एंड स्विच ऑफ बटन, बस इस क्लिपर में इतना ही। अब चलते हैं अपने लैपटॉप की तरफ और इसकी आप MRP देख सकते हो 5250। और ये रहा अपना Asus Vivo Book, और खोल लेते हैं। तो अपन को अंदर कुछ नहीं मिलता क्योंकि मैं पहले ही खोल चुका हूँ। तो यहाँ पे ये रहा अपना Asus Vivo Book 4500U है ये, तो कुछ इस तरीके का लगता है, ब्लैक फिनिश में मिल जाता है अपने को। आप खोल के दिखा देता हूँ, आप इसको आराम से खोल सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो Ryzen 400 सीरीज 5 और AMTA Radeon ग्राफिक्स कार्ड लगा हुआ है। और साइड में देखते हो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होम एंड 2019 इंक्लूडेड विद दिस PC, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। और यहाँ पे कुछ इसका बहुत ही बढ़िया फिनिश लुक मिल जाता है कीबोर्ड का, और यहाँ पे ब्रांडिंग मिल जाती है Asus Vivo Book की। यहाँ पे साथ में अपन को टच पैड मिलता है और साथ में फिंगरप्रिंट सेंसर। यहाँ पे ये हो गया स्टार्ट, बहुत ही जल्दी स्टार्ट हो जाता है। अभी बज रहे हैं आप देख सकते हो 6:40 ओपन डे 19 अगस्त, ठीक है।
और उसको खोलते हैं। यहाँ पे जो है अपना लैपटॉप चालू हो चुका है, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एज और गूगल क्रोम दिख रहा होगा और विंडोज जो 10 है इसमें डला हुआ है। और यहाँ पे तो EDM Radeon Lite, और मैंने इसमें गेम भी खेल के दिखा था Mortal Kombat 5। और यहाँ पे हमने साथ में Amazon Basics का ये कवर मंगाया था, जो इन सब की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी ज़रूर, और देख लेते हैं। और ख़ासियत इसमें ज़्यादा कुछ मतलब मेरे को तो बस अनबॉक्सिंग करनी थी, इसलिए मैंने आपको दिखाया कि मेरे घर में आज क्या क्या आया है, और बस इसमें इतना ही है। जो इसका इंटरफेस है वो मेरे को बहुत बढ़िया लगा है। और यहाँ पे जो लाइट की जो कीबोर्ड की लाइट है वो दिखाने के लिए मैंने लाइट स्विच ऑफ की थी, आप देख सकते हो कुछ बढ़िया ब्राइटनेस के साथ अंधेरे में भी काम कर सकते हो। और यहाँ पे रहा अपना किंडल, बस देख सकते हो इस तरीके का है, और इसको मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। और देख सकते हो स्टार्ट हो गया है, जहाँ पे ये बुक है अपनी हैरी पॉटर एंड द कर्स्ड चाइल्ड, ये अभी रीड कर रही है मेरी दीदी। और बस इसमें इतना ही, ज़्यादा कुछ नहीं है, और बढ़िया लगता है पढ़ने में। और हमने अनलिमिटेड एडिशन ले लिया है 1 महीने का, और यहाँ देख सकते हो किंडल की बाइंडिंग मिल जाती है, और देखने में बहुत ही बढ़िया लगता है और कंपेटेबल है, आराम से पढ़ सकते हो। और एक चीज़ और आई है हमारे यहाँ जो है प्रिंटर, तो प्रिंटर को भी मैं दिखाऊंगा, लेकिन जो प्रिंटर है उसके लिए मैं सेपरेटली एक अलग वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ। अब मैं आपको प्रिंटर दिखा देता हूँ कि प्रिंटर कौन सा है, हमने HP का प्रिंटर लिया है, तो चलो सीधे पीछे चलते हैं। पीछे रखा हुआ है प्रिंटर, हमने पूरा सेट कर लिया है वहाँ पे कि प्रिंटर किस तरीके से जो है सिस्टमेटिकली जम जाए और बढ़िया दिखे। तो ये रहा हमारा प्रिंटर HP का, देख सकते हो वाइट कलर में हमने मंगाया है, और इसका आपको नाम पढ़ते हुए देता हूँ, HP लेजर जेट प्रो MFP M30W है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का लगता है, यहाँ पे अपन को बटन्स मिल जाती हैं जो है पेजेस अप एंड डाउन, मतलब पेजेस को बढ़ाने की, फोटोकॉपी निकालने के लिए, और जो है पावर बटन मिल जाती है अपन को वहाँ पे अंदर से। आप देख सकते हो इस तरीके का इंस्ट्रक्शंस दिए हैं किस तरीके से आपको कॉपी करना है इस पर, मतलब वो जो नीचे अपना ये रखा हुआ एक्सटेंडर उसमें कनेक्ट कर दिया है हमने। और यहाँ पर हमने पूरा बॉक्स वगैरह जमा ली थी क्योंकि उसको जमाना था। और ये रहा हमारे ऊपर जो बॉक्स पड़ा हुआ है उसका, HP लेजर प्रिंटर का। और यहाँ से आप इसको उसको एक्सटेंड कर लेंगे तो आपके जो पेपर आराम से आ जाते हैं इस जगह पे, मतलब निकल आते हैं। और यहाँ से जो है अपनी पेपर डालते हैं फोटोकॉपी निकालने के लिए। और ये जो है वाईफाई से भी डायरेक्ट कनेक्ट हो जाता है, और यहाँ से आप देख सकते हो जो इसकी इंक रहती है, जब इंक वाले जो पोर्शन रहता है जहाँ पर इंक डलती है तो वो पोर्शन इसके अंदर है, इसको उठा के दिखाया जो मैंने आपको। और यहाँ पर बस इतना ही, हमने एक फोटोकॉपी भी निकाली, आप देख सकते हो, मतलब वो डायरेक्ट मोबाइल के थ्रू निकाली थी हमने, डायरेक्ट आ गई है यहाँ पर। बस देख सकते हो इसकी MRP और बहुत सी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं, और आप देख सकते हो ये रहा इसका बॉक्स। तो बस यार वीडियो में इतना ही, थोड़ी सी लाइटिंग बढ़ा लें तो बढ़िया रहेगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को तो लाइक, शेयर कर दो, सब्सक्राइब। तो चलिए यार मिलेंगे अगली वीडियो पर। और मैं सोच रहा हूँ एक जो प्रिंटर आया था और जो OnePlus की कॉर्ड आई थी उसकी जो है मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ, तो उसकी वीडियो मैं अलग से डाल दूंगा। और वो जो प्रिंटर है और OnePlus की कॉर्ड है वो मेरे भैया के फ्रेंड की है, तो जिसकी अनबॉक्सिंग मैं करूँगा तो अपलोड कर दूँगा। तो यार सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना, और वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कर देना।